कि अल्लाह अल्लाह हो के वली कैसे है, अली अली हो के वली कैसे है। अभी से आप हौसला रखें, अभी से मैं बिल्कुल हौसले वाली बात इसलिए कह रहा हूं कि बेहौसला नहीं हो जाना। अली वली हो के अली है। देखिए मैंने दूसरा पहलू लिया, वो अल्लाह अल्लाह हो के वली है। अल्लाह का नाम भी अल्लाह है और अली का नाम भी अल्लाह है। मैं कह रहा था मैंने कहा था कि अब तहम्मुल होगा तो मैं कहूंगा, अब नहीं कहूंगा। ये सिर्फ आपकी पहली दफा आपसे मुखातिब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह हो के वली है और जनाब अली अलैहिस्सलाम अली हो के वली है। वो जात में वली है, ये वजूद में वली है। शेरक मैं भी समझता हूँ यार, वो अल्लाह हो के वजूद, देखें वो जात हो के वली है, ये वजूद हो के वली है। जात की दलील हमेशा जात होती है, है दूसरी जात है नहीं। खुदा जाने अल्लाह ने वजूद अली को किस कमाल का बनाया कि अपना जाती नाम अली को दे। समझ नया ना है तो ना आया करे, ना 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 समझे ना मैं क्या कह रहा हूं। वो जात हो के वली है, ये वजूद हो के वली है। और अजब कमाल है जाते तौहीद का के तौहीद ने इस वजूद को अपनी जात की दलील बनाया। और नहीं फरमा रहे आप, इसे क्या बनाया है, दलील बनाया है अपने जात। वो वाजिब वजूद है, वो वजूद नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह वजूद नहीं, वो वाजिब वजूद है। बिस्मिल्लाह, वो क्या है अल्लाह, मुझे तो पूरी विलायत पढ़नी है तो अभी से आप घबरा रहे हैं। वो वाजिब वजूद है, कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं, कोई वजूद नहीं, वजूद हो के भी वजूद नहीं। तो जो हम सही उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, अकलू में नहीं आता, फहम में नहीं आता, इदराक में नहीं आता, हवास में नहीं आता, कहूं जुमला तसव्वुर में नहीं आता। जो तसव्वुर में ना आए उसकी तस्दीक कौन करे। अल्लाह के मुसद्दक को अली कहते हैं। मुसद्दिक हो उसे अली कहते हैं। इसलिए तो अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा के पहले खुतबे में
खुतबा तौहीद में यही तो फरमाया अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तदाई उसकी मारिफत है। जब तक उसे ना पहचाना गया दीन है ही नहीं। और दीन क्या है पूछा गया वाला, दीन क्या है? फरमाया अद्दीन अत्ताज़ीम ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम दीन। फरमाते हैं नहनु अम्रुल्लाह, जे नीचे ना रखे ना, माशाल्लाह आप तो आबो हवा अच्छी आबो हवा में रहते हैं। यार जहन फ्रेश होना चाहिए। नहनु अम्रुल्लाह, चौदह कहते हैं हम अम्र इलाही हैं। वहां जात होके कैफियात नहीं है। अल्लाह के यहाँ कैफियतें हालतें नहीं है। हमारा रोज का काम परेशान हूं ना, ये बातें चूंकि सुनी नहीं आपने, वहां हालतें नहीं है, कैफियतें नहीं है। जनाब अली फरमाते हैं जहां कैफियतें आ जाएं वो अल्लाह नहीं है। कैफ से मावरा कमाल का नाम अल्लाह है। वहां कैफियतें हालतें नहीं है। मैं एक जुमला कहूं बिस्मिल्लाह शाजी आगा। अच्छा अच्छा, राजी होना कैफियत है, नाराज होना कैफियत है। ना अल्लाह राजी है ना नाराज है। जगह पे मैं जुमला कहना चाहता हूं, अल्लाह ना राजी है ना नाराज है। अगर अल्लाह राजी नाराज हो जाए अल्लाह अल्लाह नहीं है, क्योंकि राजी होना नफ्स की कैफियत का नाम है। वहां कैफियतें नहीं है। यह समझे जहां कैफियतें नहीं है, लिहाजा अल्लाह ने इन चौदह को अपनी हर कैफियत का मजहर बनाया। चौदह को अपनी हर कैफियत, एक नहीं हर कैफियत। हाय हाय हाय, मैं एक जुमला कहती हूं जो तौहीद को तौहीद का मकाम दे उसे अली कहते हैं। इन चौदह को अपनी हर कैफियत का मजहर बना के, अब उलमा फरमाते हैं इसीलिए अल्लाह ने इन चौदह में अपनी जाती कोई कैफियत रखी ही नहीं। इनमें जो भी कैफियत आती है वो अल्लाह की होती है। इनमें जाती अपनी कोई कैफियत नहीं, जो भी कैफियत आती है इनमें अल्लाह की होती है। अब अल्लाह ना राजी है ना नाराज है। ओ दुनिया वालों नोट कर लो, अल्लाह ने राजी अल्लाह कुरान में इनके बिहाफ पे कहा है। अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह राजी हुआ, अरे अल्लाह राजी हो जा, कहीं हो गया कहीं हो जा, अरे अल्लाह राजी हो जा, बस जल्दी जला अल्लाह राजी हो जा। अरे अल्लाह में तो राजी होने की कैफियत नहीं है।
फिर मजहर बनाया इन 14 को, ए मजहर पूरी रिजा के मजहर को वज कहते हैं। अब जो भी अल्लाह की रिजा का मजहर हो उसे वज हो। खुश नहीं हो रहे आप, अल्लाह कहता है फिर कहो, जिसका अपना चेहरा नहीं है वो कहता है फिर कहो। ये बात झूला है या नहीं? अभी बहस कर, अभी बहस कर। अब अल्लाह ने जो इनके बिहाफ पे ग़ज़ब अल्लाह भी कहा, राज़े अल्लाह भी कहो, अगर अल्लाह नाराज है तो इनकी इनकी बिहाफ पे नाराज है, राजी है तो इनकी वजह से राजी है, इसीलिए इनको वजहुल्ला कहना ऐने सदाकते कुरान है। इनको वजहुल्ला कहना, वजहुल्ला मैं कहने लाहौर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वजहुल्ला कहना सदाकत कुरान की दलील है, इसलिए अल्लाह ने इनको अपना वज कह के कहा कहो वजहुल्ला। फरमाया अब ये वजहुल्ला है, इनका चेहरा देखना सवाब नहीं इबादत। चेहरा इन सही देखे ये जा रहे हैं कैसा होना चाहिए, हाय हाय। फरमाया इनको देखो अगर ये राजी हैं, बस समझ लो मैं राजी, मेरी रिजा समझना है, देखना जानना नहीं, मेरी रिजा ही का नाम रिजाए अली है। दरमियान में पता नहीं वो वक्त आए या नहीं, इसलिए अल्लाह ने इनको अपने होते हुए वली बनाया। इतनी बड़ी जगह पे हाजिर हैं, देखे इन अल्लाह ने अपने होते हुए, अपने वली होते हुए, अरे अल्लाह जब तू ही वली है तो काफी है वली, फिर इनको वली क्यों बनाया? ना ना, जब तू वली है, बिजात वली है, अजल से अबद तक वली है, जब तू है ही वली तो तूने अपने होते हुए इनको वली क्यों बनाया? ए मैं इस जगह पे एक जुमला कहना चाहता हूँ, अरे अल्लाह तूने इनको वली क्यों बनाया? पलट के जवाब आया, मेरी विलायत फकत इरादे में है, कौन में नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है मेरी इरादत का कमाल, एक विलायत का कमाल कौन कौन में नहीं है, इरादे में है। कौन कहने के लिए जबान चाहिए, वजूद चाहिए, जगह चाहिए, जिस्म चाहिए, मेरा कमाल कमाल विलायत इरादा है, इसलिए मैंने इन 14 को बनाया है। इनकी विलायत का कमाल इरादा भी है और कुन भी है। समझ आ रही मेरे भाई? इनकी विलायत का कमाल इरादा भी है, कुन भी है। मैं क्या कह रहा हूं, इरादा भी है, कुन भी है, चूंकि जमीन आसमान की खिलकत, जमीन आसमान की,
आलम तखलीक है। अब ये लंबे बोल, जमीन आसमान की खिलकत रुबूबियत में आती है, तखलीक में आती है। इससे पहले है आलम आम्र, वो बनता है कुन से, वो तकवीन में आता है। अब दुनिया बताए, जमीन आसमान से पहले जितने आलम आम्र बने हैं वहां कुन किसने कहा? जमीन आसमान की खिलकत से पहले आलम जब इन पे से सबसे पहले आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम मलक, आलम अजराम, आलम नफूस, आलम अनवार, आलम अरवा, ये सारे आलम किसने कहे, कैसे बने, ये तो कौन से बनते हैं? मैं जुमला कह दूं, इसलिए अली फरमाते हैं अल्लाह ने हमें इरादे से बनाया, आगे जो कौन था वो हमने कहा। तर्जुमा करें अब जो किए गए तर्जुमे वो नहीं, अब तर्जुमा करें कि अल्लाह ने इनको बना के वली बना के कहा क्या है और कहना क्या चाहिए था अल्लाह को। जहां इल्म की भी कमी नहीं है, हिकमत की भी कमी नहीं है, उस अल्लाह ने कहा क्या है। कभी घर बैठ के तो पढ़ा करें ना। अब अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, बस ये हश्र लगा दिया। जिसका कमाल कभी हश्र में नहीं आ सकता, खुदा जाने 14 की वजह से मासूर हो रहा है। कलमा हश्र है, यानी हश्र हकीकी, हश्र इजाफी, मुझे दोनों आते हैं। अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा, ए मेरी तरफ देखे वक्त के हवाले से, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। तर्जमा करूं जनाब, बस तुम्हारा वली अल्लाह है। अरे अल्लाह, बस तू ही जो वली होता काफी था। क्या मैंने अपनी उलूहियत का विलायत का मेयार बता दिया है? इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली खुदा बादशाह, मेरी तरफ देखे, तुम्हारा वली अल्लाह है। मालूम हो गया अल्लाह वली है, वली अल्लाह है। मालूम होता है वली होने के लिए अल्लाह होना मेयार है। अल्लाह होना, अल्लाह क्या कहने, ना ना वली कौन हो सकता है? ना ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो घबरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ना, मुझे गहरी नजर से देख रहे हैं। विलायत का मेयार है अल्लाह होना। पूरी दुनिया सुन रही वाला ऐलान कह रहा हूं, विलायत वली हो भी वही सकता है जिसका पहला मेयार ही है अल्लाह होना। चूंकि और अल्लाह है नहीं, पर कमाल है अल्लाह का, ऐसे लफ्जे और इनका वजूद बनाए, अल्लाह भी ना हूं, मजहर